अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। तो आज की जो वीडियो है वो है फ्री रिवॉर्ड्स के ऊपर, कैसे आप फ्री रिवॉर्ड्स ले सकते हैं जिसमें परमानेंट आउटफिट है, टाइम लिमिटेड आउटफिट है, इसके अलावा M416 की स्किन है और भी बहुत से रिवॉर्ड्स हैं, लाइक क्लासिक क्रेट हो गया, कूपन्स हो गए, एजी करेंसी वगैरह हो गई, ये सारा कुछ मिलेगा। तो कंप्लीट डिटेल है इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पे कर देना। और एक चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ सरप्राइज है, अगर आप लोगों के पास रूम कार्ड नहीं और अपने अपने दोस्त के साथ रूम खेलना है, 1v1 करना है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जिस तरह अब मेरा जो टीममेट है मेरे साथ है, तो यहाँ पर मैंने 1v1 करना है, अब रूम कार्ड नहीं है, तो आपने ये वाला मैप सेलेक्ट करना है 295361295361, ठीक है, ये 1v1 है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, इसमें रूम कार्ड नहीं लगता। आप जिस तरह यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, अगर दो हैं लॉबी में, तो यहाँ पर आपने ना मैच को कर देना है स्टार्ट। जिस तरह आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो टीममेट है वो आपके साथ ही होगा यहाँ पर, ठीक है, ये मेरे साथ ही है। लेकिन जिस तरह मैच स्टार्ट होगा तो ये जो टीममेट है ना, ये एनिमी बन जाएगा। जिस तरह अभी मेरा टीममेट है एनिमी बन गया और यहाँ पर यार इतना मजे का 1v1 होता है, मतलब आप कहोगे कि बहुत ही प्यारा मैप है। एक तो इसका जो थीम है वो विंटर मोड पे है, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसको लाजमी से जाके ना आप लोगों ने ट्राई करना है, भाई अपने दोस्त को ले आना और कहना आजा भाई 1v1 करते हैं, तो यहाँ पर भाई बहुत फन होने वाला है। ये मैप है, मैप का कोड मैंने आपको बता दिया, अगेन भी आप देख लेना 295361295361। तो यहाँ पर दो हैं, क्या कहते हैं, AR हैं दोनों, और जौन सी टीम, मतलब जौन सा बंदा सबसे पहले 25 किल करता है, 10 मिनट का टाइम है, तो वो इस मैच को ना विन कर जाता है। यार आप बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इसको लाजमी से आप लोगों ने ना ट्राई कर लेना इसको जाके, तो ये रूम कार्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको इस मैप में। बाकी हम आ जाते हैं अपनी मेन वीडियो पे, फ्री रिवॉर्ड्स पे। तो यहाँ पर आज से ना ऑल टैलेंट चैम्पियनशिप स्टार्ट हो गया, मतलब अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके पास क्रियो होना चाहिए, क्रियो में 6 बंदे टोटल हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं, क्रियो बनना चाहिए। क्रियो बनोगे तो फिर बना होगा ना आपका, तो फिर ही आप आगे ना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर जिस तरह मेरा बना हुआ है, आप लोग भी अपना बना लेना अगर नहीं बना हुआ। इसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट रीजन करना है, रीजन ध्यान से सिलेक्ट करना है क्योंकि एक बार ही कर सकते हो पूरे जो है ना टूर्नामेंट में। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने मिडल ईस्ट किया, मोस्टली लोग मिडल ईस्ट ही करते हैं, तो यहाँ पर जो है ना सर्वर सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पर आके रजिस्ट्रेशन करनी है। पहला मैच जो है वो 4 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, फिर दूसरा जो है, मतलब मैच नहीं होगा, दूसरा जो राउंड शुरू होगा वो 5 दिन बाद, और जो थर्ड राउंड शुरू होगा वो 6 दिन बाद होगा। तो यहाँ से यार आपको बस आपने सर्वाइव करना होता है, आपको कॉइन्स मिलते हैं, अगर आप किल्स कर लेते हो तो एक्स्ट्रा कॉइन्स मिलते हैं, या सारा शेड्यूल वगैरह आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है, क्या क्या सीन है, किस तरह चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको ना यहाँ पर पॉइंट्स मिलते हैं, जो हमारे पास ऑल टैलेंट चैम्पियनशिप कहते हैं ना। पहले जो होता था ना क्रू चैलेंज होता था यार, वो बहुत ज़बरदस्त होता था, उधर टाइटल्स वगैरह सारा परमानेंट भी होता था, टाइम लिमिटेड भी होता था और बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स होते थे। लेकिन उसका नाम चेंज करके पबजी मोबाइल ने ऑल टैलेंट चैम्पियनशिप रख दिया था, अब यही ऑल टैलेंट चैम्पियनशिप है। तो यहाँ पर यार पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आपको, तो यहाँ पर बहुत से रिवॉर्ड्स हैं। अभी ये न्यू रिवॉर्ड्स आए हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो है ना ग्लैडिएटर सेट आया है, फीमेल का आउटफिट, और काफ़ी कूल है। सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त इसका जो पीछे लोगो लगा होता है ना ऑल टैलेंट चैम्पियनशिप का, ये होता है। तो यहाँ से ये आपको टाइम लिमिटेड मिल जाएगा 250 में, और परमानेंट के लिए भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी न्यू आउटफिट्स आए हैं, M416 है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ओल्ड स्किन है जो कि 3-4 हज़ार UC की है। लेकिन यहाँ से आप पॉइंट्स जमा कर करके ना, क्योंकि ये हर सीज़न ही आता है, पॉइंट्स जमा कर करके अपना रिडीम कर सकते हैं M416 की स्किन। तो इसके अलावा यहाँ पर ये सेकंड आउटफिट भी है, ये भी आप दे सकते हैं, ये कुछ इतना खास नहीं लगा मुझे यहाँ पर, मतलब ठीक ही है, ओके सा आउटफिट है वो, वैसे भी है भी काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स का। इससे अच्छा आप M4 स्किन रिडीम कर लोगे ना 16 की, वो बेस्ट रह जाएंगे। यहाँ पर और रिवॉर्ड्स भी आपको नज़र आ जाते हैं, जो आउटफिट अगर आपके पसंद के हैं, फीमेल के हैं, मेल के, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर ये सारा कुछ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है इस पूरे रिडम्पशन स्टोर में, वो मुझे जो लगती है वो यहाँ पर है M416 ये वाले। ये वैसे 3-4 हज़ार UC की मिलती है अगर ये नॉर्मल इसकी जो पबजी में प्राइस है, बट यहाँ से आप भाई 5200 कॉइन से ना रिडीम कर सकते हो। परमानेंट स्किन है और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और रेयर जो है ना स्किन है। वैसे तो आजकल हर बंदे के पास ही ग्लेशियर, लेकिन ये कलेक्शन में एक ना आपका लाइक इजाफा हो जाएगा, कलेक्शन में आ जाएगी, तो ये स्किन है यहाँ से आप रिडीम कर सकते
हैं 5200 कॉइन्स से। तीन चार जो है ना, आप क्या कहते हैं, तीन चार तो ज़्यादा कह रहा हूँ, दो तीन सीज़न खेलें आप और आपके पास इतने कॉइन्स हो जाएंगे। ये मैंने एक सीज़न में किया था 2600, उसके बाद मैंने किया ही नहीं, रजिस्ट्रेशन करता हूँ टाइम ही नहीं मिलता। बाकी यहाँ पर 8080 का भी एक क्रेट है, तो यहाँ से आपका रैंडमली भी कोई, अगर आपके पास पॉइंट्स कम है और आप चाहते हैं कि भाई कुछ निकल आए, तो लक है यहाँ पर, ठीक है। ये टैलेंट चैम्पियनशिप का जो है ना लकी क्रेट है, तो यहाँ से 80 का एक है, इसमें आपका कुछ भी निकल सकता है, लेजेंडरी भी, एपिक भी, मतलब जितने यहाँ पर आपको आइटम्स नज़र आ रहे हैं ना, इनमें से कोई भी रिवॉर्ड आपका निकल सकता है। तो ऑल, ये है ऑल टैलेंट चैम्पियनशिप, जो कि आज से रजिस्ट्रेशन हो गई हमारे पास स्टार्ट। इसके अलावा एक ना, काफ़ी लोगों को वो आता है, क्या कहते हैं, बैन होता है, मतलब वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, तो उन्होंने कोई ना वॉयलेशन की होगी जिसकी वजह से ये उनको बैन लगा हुआ है। तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, मतलब हम खुद कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक सीन है कि आप ना हेल्प एंड सपोर्ट पर जाके ना पबजी मोबाइल से बात कर सकते हैं, मे बी वो हटा दें, यही एक है, वरना खुद नहीं कर सकते। ये मतलब खुद ब खुद ही सिस्टम डिटेक्ट करता है, उसके बाद खुद ब खुद ही ये ख़त्म हो जाता है। काफ़ी लोगों का तो नहीं हुआ होगा, अभी 3-4 मंथ भी हो गए, तो ये इसी तरह होगा। इसके अलावा कोई सोल्यूशन ना इसका नहीं है। तो मैं चलता हूँ, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैप लाजमी से ट्राई करना और बताना कैसा लगा आप लोगों को अपने टीममेट के साथ 1v1 करके। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।